हेलो भाई, मैं विवेक। और आज की वीडियो में भाई अपना जो बचा कुचा काम है वो कंप्लीट कराएंगे। जैसे मैं इसका पहले काम बताता हूँ क्या क्या है। इसकी एक ये जाली, ये भी चेंज करना है। ये मैंने ला के रखी थी लेकिन वो इसमें डल नहीं रही है, तो उसका जुगाड़ कुछ करना पड़ेगा तब जाके इसमें डलेगी। या फिर इसी को सीधा करा के इसमें ब्लैक पेंट कर देना चाहिए तो भी शायद बढ़िया लगेगी ये। और अभी पहले तो भाई सबसे पहले इसकी मैं बैटरी निकालता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी बैटरी चार्ज लगाने को नहीं दी थी जब ये मतलब अपना इंजन इंजन डल रहा था। तब से भाई इसको चार्ज नहीं करी अपन ने, खुली पड़ी थी। और जितने भी ट्रैक्टर आते थे वहाँ पे सुधरने, उनको इससे ही चालू करा था, तो इस वजह से ये डिस्चार्ज हो गई। और मेरा छाला अभी भी है तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है। और एक अपना ये सिस्टम का भी कुछ करना है, ये मिल नहीं रहा है। हाँ, इसका मैंने इसको निकाल के ऐसे डीजल में डुबा तो दिया था, कल का डूबा है ये देखो, इसमें पड़ा है वो। तो इसको भी उसमें लगा के देखना है, या फिर कोई सा जुगाड़ देखेंगे। जो गाड़ियों में डलता है ना, अपनी बाइकों में, इनमें भी कहीं पर होता होगा ये चीज़। अगर वो मिल जाए तो वही डाल देंगे, इसमें पता नहीं कहाँ है। बाकी नॉर्मल गाड़ी में तो मेरे को पता है। इसका भी भाई नंबर, एक नंबर मतलब नंबर इतना बढ़िया लिया है अपन ने, अब वो डलवाने की देर है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो टाइम ही नहीं मिल रहा। और एक और काम है, सबसे पहले इसको खोलते हैं और एक इसकी लीकेजिंग भी बंद करना है। बैटरी को भी निकाल लेता हूँ। और उसके बाद में ये इधर देख रहे थे कि यहाँ पे ऑयल आ रहा था, ये भी भाई इसको भी कुछ करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा आगे वीडियो में। और ये वायरिंग है, कंपनी ने मेरे को समझ में नहीं आया कि यहाँ पर ये सब दिया, देखो वायर ऐसा यहाँ पर मतलब वायर अपना लग जाए, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा कुछ दे देती तो कंपनी का क्या जाता। अब अपने को अलग से वेल्डिंग करा के लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये देखो टूटने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएगा ये। और एक दान मिट्टी में गया, जैसे उस दिन 855 फंसा था ना, उस तरह एक बार फंसेगा और काम इसका हो जाएगा ख़त्म। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ भाई पहले इसको करा लेता हूँ, इतनी बेकार लग रही है देखो, इतनी बुरी लग रही है। तो इसका काम मैं सोच रहा हूँ पहले करवा लाता हूँ, क्योंकि ट्रैक्टर की जाली वाली तो मैं खुद से तो नहीं कसाएगी, क्योंकि उसमें भी होल बनवाना है। इसमें इसकी जाली निकाल के लाते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि जो अपन ने लेके आए हैं वो इसमें फिट हो रही कि नहीं। एक चीज़ तो हो गई फिट, बस ये ओरिजिनल नहीं है। और ओरिजिनल तो काफ़ी महंगे मिलते हैं, इसलिए मैंने डुप्लीकेट ही डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि कितने ही ओरिजिनल डाल लो ये टूट ही जाते हैं। ये भी ओरिजिनल नहीं है, ये वाला ओरिजिनल है। और इसका हाल देखो, पूरा टूट गया, क्योंकि ये ऐसी जगहों पे ही चलती है जहाँ पे ये टूट जाते हैं। और इसकी डिज़ाइन ऐसा बाहर है तो ये कहीं पे भी लग के बार बार टूटते ही रहते हैं, इसलिए मैंने कहा इनमें ओरिजिनल की अपने को, अरे कैमरा अटक गया था अभी, इनमें अपने को ओरिजिनल की कोई ज़रूरत नहीं। एक ये जाली है, ये इसको अपन डाल सकते हैं या नहीं पता नहीं, अब निकलेगी ये, निकल गया। ये देखो ये ऐसी लग जाएगी, लग तो जाना चाहिए ना, आप तो इसी का होगा शायद। हाँ लग जाएगी वो तो। लो जी इसकी बैटरी निकल गई, बैटरी में पानी तो है, हरा लाइट भी दिखा रही, ओके भी बता रही, लेकिन सेल में थोड़ी सी दिक्कत दे रही। मेरे हिसाब से ये डिस्चार्ज है, एक बार जब चार्ज लगेगी ना तब हो जाएगी सही। अगर इसमें भी चलाता तो भी हो जाती, मेरे को उन्होंने बोला था कि इसी में चला लो हो जाएगा, लेकिन अब इसको चलाना कहाँ है, भी तो 855 की ज़रूरत है, अपने को इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जी अब चल दी है, अपनी बैटरी मैंने रख ली और ये गंदी भी बहुत हो गई, दीपावली आ रही अब धुलवाएंगे। और एक और है हमारे साथ, एक आदमी ये है हमारा दोस्त जो आगे लगेगा, और इसको फिट करवाते हैं, बैटरी को चार्ज वाले भाई को देते हैं। देखो पीछे पूरा माल भर लिया और अपना 855 चला रहा है तोता, वो भी आपको दिखाऊंगा। खतरनाक धूप, खतरनाक धूप, घूम के ही लगेगी। कल दीपावली है लेकिन आप शायद दीपावली के दिन ये वीडियो देखोगे, है ना। और यो खड़ा फार्म टेक 45 टेंडम पंप के साथ में, स्मार्ट भी है, क्लासिक भी है। एक 5 लीटर इन्वर्टर और बैटरी का पानी, और ये जाली हो गई ओके। भारी मेहनत के बाद कैसी जाली, तो भैया चलो भाई अपनी जाली वाली सारा काम हो गया है, अब इसको नहलाना धुलाना, अपने ट्रैक्टर सारी चीज़ों को धोना है, बुलेट मोटरसाइकिल जो जो भी आइटम है सबको धोएंगे, क्योंकि कल है दीपावली। तो भाई अभी ही हो चुकी है शाम, इधर देखो, और इसने सबको चमका दिया पूरा झकाझक, ये खुद नहीं नहाया लेकिन इनको सबको नहला दिया। डिलक्सी नहा ली और साइन का ना, ये भी हाँ एक छोड़ के, बाकी सब ये कल करना था लेकिन ये अपना काम आज ही हो गया। नेक्स्ट डे सुबह हो गई, उसके बाद भी अभी भी गीली है। और ये अपना जो कांच फूटा था
अभी मैं सोच रहा हूँ इससे लगा देते हैं और अपने इसके जो वो ऑरेंज वाले हैं वो भी चढ़ा देते हैं, बचा कुचा काम कर देते हैं कंप्लीट, क्योंकि अब दीपावली पे इन पे भी तो दीपावली आनी जरूरी है। लगा ये देखो लग गया सिस्टम, निकाल बाहर वो मैं रख ले डिग्गी में रख दे, अभी ये लगा देते हैं इसके जो इसका, ये देखो साइलेंसर इसमें, बस ये छत थोड़ा अजीब लग रहा है इसका, वो वाला सही है मोटा, और इसके पीछे के अपन ने वो भी लगा दी जहाँ से आयल निकल रहा था ना ये वाली, ये देखो एक ग्रीसिंग वाला पॉइंट, ये भी दूसरा अपन ने डाल दिया तो अपनी निकलना चाहिए, बाकी डिक्स इसने अच्छे से नहीं धोई, इसको और अपन साफ करवा देंगे। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ये बाइट से और लिखवा देते हैं गुड ईयर, बाइट पेंट भी है अपने पास और टाइम भी है, आज से कुछ काम भी नहीं है, घर पे भी पेंट हो गया, बस इस पर बैठे बैठे वही करना है। ये लाइट भी अपना एक बंद हो गया था, ये चालू है, इसमें हुआ कुछ नहीं, बस इसका ये जो वायर है ये टूट गया, तो ये वायर को जॉइंट करके वापस लगा के अपना ऑरेंज वाला सिस्टम इसके अंदर लगा देते हैं। जो लाइट इसके लिए अपने को पैकिंग वाला ट्यूब लेके आना है, और अपने उसकी बैटरी, पैकिंग वाला ट्यूब और एक एक क्लिप लाना है, और फेमिक्यू कितनी चीज़ की अपने को ज़रूरत है, तो मैंने सोचा इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ ऐसा लगा दे तो कम से कम टूटा हुआ तो नहीं दिखेगा, इसको भी लगा दे, और ये लगा दिए। और इसमें एक और समस्या अपने को आ रही है, इसका स्टीयरिंग हल्का सा टाइट चल रहा है, प्लस लिफ्ट में भी ऐसे ऐसे उठा रहा है अटक अटक के, तो उसका सिस्टम मेरे को समझ में आया कि यहाँ का ये फिल्टर चेंज कराएंगे और बढ़िया हो जाएगा मेरे को जहाँ तक लगता है, तो इतना काम करवा के आते हैं। हो गया नहीं छोड़ नहीं गिरेगा, और गिर जाएगा तो फिर होगा नुकसान। वाह अरे नब गया वो तो, बदल दिया अपन ने इसका फिल्टर, ये भारी बहुत भारी हो गया, और मतलब स्टीयरिंग चलाने में अपने को पता लग गया था कि ये ख़राब है, ये बहुत हल्का है, और लिफ्ट भी अपनी अटक अटक के चल रही थी, तो इसको बदल दो अगर ऐसी समस्या है तो, ये डालो टेंशन खत्म, भारी भी हो गया अब चलेगा स्मूथ। तो अभी ये लिफ्ट कम उठाता है, इसका भी जुगाड़ चल रहा है, ये यहाँ से निकाल के ये वाले पीछे वाले हॉल में जाएगी, फिर देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। अब इसमें इतना गैप बन गया, देखो टूट गई, ये देखो ये गैप बन गया, तो ये गैप कम हो जाएगा। तो भाई अपनी बैटरी अपन ने ले ली स्वराज 735 की, बाकी आज है दीपावली तो देखो मार्केट पूरा ऐसे बंद जैसे ही लग रहा है, लेकिन अपने को आज भी शांति नहीं है, अपना जो काम है वो आज भी चल रहा है, लेकिन अपन आज पूरा काम ख़त्म करके ये वीडियो को भी 4 बजे तक मैं अपलोड करने की कोशिश कर दूंगा। बाकी इसका स्टीयरिंग आप देखो भाई पूरा स्मूथ हो गया, मतलब ये हल्का सा अटक रहा था हल्का सा, जिसमें मेरे को पता लग गया कि भाई इसमें फिल्टर की प्रॉब्लम है, अगर कभी भी आपका स्टीयरिंग ऐसे अटक रहा है, और जो लिफ्ट है उसको जब आप ऊपर करो तो अटक अटक के आ रही है, मतलब आपका फिल्टर चोक है। पहुंच गए घर, अब इसको मैं फिट कर दूंगा पूरा कंप्लीट, और वो अपने 735 की बैटरी भी आ गई, और मैंने पीछे क्या करा वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो इसको ये वाले हॉल में से निकाल के आगे वाले हॉल में डाल दिया, क्योंकि ये वाला हॉल अपना काफ़ी ज़्यादा कट गया था, इसलिए मतलब उसमें वो बन गया था गैप। बाकी भाई आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।